एक बैग है, बैग कंटेन्स, बैग के अंदर क्या क्या रखा हुआ है बताओ। यानी कि पहला चीज रेड कलर का बॉल रखा, कितने? सिक्स। और एट व्हाइट बॉल्स, व्हाइट बॉल कितने रखे हुए हैं? एट। ग्रीन बॉल्स फाइव, बात के ऊपर, ग्रीन की संख्या कितनी है? फाइव। हाँ ब्लैक बॉल्स थ्री, थ्री कितना? ब्लैक बॉल्स। ब्लैक बॉल कितने हैं? तो पहले काम करो ना, पहले टोटल बॉल निकाल लो। टोटल बॉल्स कितने होंगे, कितने पूरी गेंद रखी है उसमें, जोड़ दो ना इसको, कितना हो जा रहा है? ठीक। फिर पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल व्हाइट, व्हाइट कितना निकल सकता है, कितने में? 22 में। दूसरा रेड और रेड और ब्लैक है ना ये, तो रेड क्या होगा, कितना है रेड? ब्लैक कितना है, कितना निकल सकता है? नाइन, आया समझ में? हाँ। तीसरा तीसरा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो याली के, इसको देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन छोड़ के कौन कौन सा बॉल हो सकता है, तो टोटल बॉल कितने हैं? कितने हैं पहले ये बताओ। इसका देखो, पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, दो मेथड है। पहला तुम ग्रीन को लेके निकाल लो, एक निकालो ग्रीन का नहीं लेके, फिर वन में से माइनस कर देना। तो देखो ग्रीन को लेके देखो, नॉन ग्रीन यानी कि कितना ग्रीन है, तो पूरा 22 से 5 घटाओ पहले, कितना हो जाएगा? 22 से 5 यानी कि अब जितने बॉल्स निकल सकते हैं प्रोबेबिलिटी होगा किसमें निकलेंगे, 17 अपॉन। अगला क्या पूछा है? 2009, 2009 के सवाल है ये, पढ़ो। 28 इज ठीक। नंबर इज, तो पूछ रहा क्वेश्चन में कि बताओ प्रोबेबिलिटी जो फेंक रहे डाइस की, उसमें से कितने इवन आने की संख्या है, कितने इवन आने, मतलब इवन आने की प्रोबेबिलिटी है, कितना जाएगा? तो पहले ऐसे देखो, पहले ऐसे लिखना एग्जाम में, क्या लिखोगे? टोटल आउटकम, में फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा। टोटल आउटकम, टोटल आउटकम क्या क्या हो सकता है डाइस फेंके हो, तो 1 2 3 4 5 और 6। क्या तुम चाहते हो फेवरेबल क्या क्या हो सकता है इसमें, इवन है तो 2 4 और 6। अब पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, तो फेवरेबल कितना होगा? 3 अपॉन। तो आसान है लेकिन लिखना पड़ेगा ये सब, आसान में। अगला क्या पूछा इसमें? नंबर ग्रेटर देन, तो क्या क्या होगा? 4 5 6, ठीक है। अगला बात थोड़ा कम इधर ध्यान दो, कितने कार्ड्स हैं टोटल? 20। 20 के 20 कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? 20 कार्ड्स हैं, उस पे नंबर लिखा हुआ है, 1 हो गया, 2 हो गया, वैसे करते करते कितने कार्ड्स होंगे? 20 कार्ड होंगे, और आखिरी कार्ड पे क्या छपा होगा? 20 छपा होगा। फिर क्या बोला क्वेश्चन में? वेल सफल यानी कि सफल यानी कि इसको फेड दिया गया है। फिर ये नंबर कार्ड्स है ना, ये 1 से 20, ये वो कार्ड नहीं है जो डेक वाला लोग पढ़ेंगे, स्पीड वाला, वो वाला कार्ड नहीं है ये। तो क्वेश्चन क्या पूछा इसमें? हाँ प्रोबेबिलिटी, पहला रुक जाओ, प्रोबेबिलिटी ये पूछ रहा है कि बताओ अगर 20 कार्ड में से कोई एक कार्ड लोग रैंडम क्या करते हैं, पिक करते हैं, तो उसमें से क्या पॉसिबिलिटी है कि वो प्राइम होगा? तो पहले पहचानो प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा, कहाँ शुरू होता है, कहाँ से प्राइमरी, ये प्राइम कहाँ शुरू होगा? 2 3 5 7 11 13 और टोटल कितने नंबर्स हैं? 9 अपॉन 8 अपॉन 23। तुम 9 कहाँ जोड़ रहे हो जी, इसलिए बता जल्दीबाजी थोड़ा कम किया करो। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? डिविजिबल भाई, नंबर जो 3 से क्या हो जाए डिविजिबल, ऐसा कौन कौन सा होगा, पर देख लेते हैं कौन कौन सा होगा। 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 और, तो 6 अपॉन 20, ठीक है। काट भी लेना इसको, काट दो, 3 अपॉन। तीसरा क्या बोला? परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 भी होगा, 1 भी ले सकते हो, स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 4 9 16, बस। अगला कौन सा है? 2000 रिसेंटली कोविड के समय का क्वेश्चन है ये, तो बच्चे दिए होंगे इसे देखे होंगे, सवाल पढ़ो।
देयर आर 25 डिस्क, ठीक है, डिस्क है, डिस्क यानी कि ऐसा कुछ होगा उसमें नंबर लिखा गया 1 2, अब 2 करते करते कितने डिस्क हैं, 25, तो आखिरी नंबर कौन सा होगा, 25 होगा, ठीक। इनको एक बॉक्स में क्या कर दिए, पैक कर दिए और शेक कर दिए, यानी कि सब एक दूसरे में क्या हो गया, मिल गया, यानी कि कोई ऑर्डर अब इसमें फिक्स नहीं है, ऑर्डर क्या हो गया इनका, रैंडम हो गया, कोई भी रैंडम ऑर्डर में ये अंदर अरेंज हो गए होंगे। फिर तो बोल रहे कि रैंडम कार्ड हो, ये रैंडम डिस्क को क्या कर दिए, निकाल दिए बाहर, तो पूछे प्रोबेबिलिटी किसका, कि ऑड नंबर का हो, तो ऑड क्या क्या होगा जोड़ लो, लिख लेते हैं पहले 13 होगा कंफर्म, पहले लिख लेते हैं क्या ऑड नंबर कौन कौन सा, 1 3 5, कितना और कितना होगा, 4 4 8, कितना है, 13 है, हाँ क्या कुछ छूटा क्या इसमें, 13 है बॉन, ठीक। अगला प्रोबेबिलिटी उसका जो नंबर डिविजिबल 2 से भी हो जाए और 3 से भी हो, तो कौन कौन लेंगे तो बताओ, 2 से भी और 3 से भी, एंड नहीं दिया, ध्यान देना एंड नहीं दिया, एंड का मतलब कि दोनों से कंपलसरी है, और 2 और 3 का मतलब कि कोई नंबर 2 से भी हो सकता है, कोई नंबर 3 से भी हो सकता है, एंड दिया कि और दिया है, एंड दिया तब इसका मतलब क्या हुआ, कि वो नंबर 2 से भी जाए और 3 से भी जाए, कौन सा सबसे पहले, 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24, यही चार नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे, और दिया जाएगा तो 6 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, क्योंकि 3 वाला तो 3 से जाएगा, 6 वाला 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, तो और का मतलब कि वो नंबर जो 2 से भी जा रहे हैं और साथ साथ 3 वाले भी ले लो, कितना हो जाएगा ये। अगला नंबर लेस देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 16, 16 से कम कितना होगा, देखो उधर से ध्यान दो, 15 अपॉन, कंफर्म हो तुम लोग, बोलने में लिख रहे हैं। अगला